एग्जाम टाइम, एग्जाम स्ट्रेस, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, ये कुछ प्रैक्टिस जो आपकी मदद कर सकती है. सबसे पहली बात, मूव योर बॉडी एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स. यू नीड टू गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए रन, बट डू इट एवरी सिंगल डे. आप कितने भी बिजी हो एग्जाम में, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, मूव योर बॉडी. और दूसरी बात, जितना आप मूव कर रहे हैं उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करने दीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, अपनी मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए, पूरे शरीर को. यू नीड टू टेक प्रॉपर स्लीप एंड गहरे सांस लेने. गहरे सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो 5 से 6 सेकंड में गहरा सांस लेना है, होल्ड करना है, एंड देन उतने ही सेकंड में आपको उसे छोड़ना है. दिन में जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर फील करेंगे. यू नीड टू फोकस योर अटेंशन, योर थॉट प्रोसेस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन आउटकम. क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, कितने परिणाम होंगे, नहीं. आपको ध्यान रखना है अभी क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं. एंड फाइनली आपको उस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करने की आदत डालनी जिस टाइम फ्रेम में आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. उस टाइम फ्रेम में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम देने की, उतना ही आपका ब्रेन प्रिपेयर होगा बेटर आउटकम के लिए.